हेलो फ्रेंड्स, आपने दानवी कर्ण के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें दानवीर क्यों कहा जाता है? वैसे तो ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक किस्से के बारे में बताऊंगा कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन के सामने ये साबित किया कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन और कृष्ण दोनों की वार्ता चल रही थी। बातों ही बातों में कृष्ण ने कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कह दिया। ये सुनके अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि युधिष्ठिर कर्ण से भी बड़ा दानी है। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि धर्म के मामले में युधिष्ठिर से बड़ा कोई नहीं, इसीलिए मैं युधिष्ठिर को धर्मराज कहता हूँ। परंतु दान के मामले में तो कर्ण से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए मैं उसे दानवीर कर्ण कहता हूँ। पर कर्ण की तारीफ अर्जुन को हजम नहीं होती और अर्जुन कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, आप ये साबित करके दिखाइए कि कर्ण ही सबसे बड़ा दानी है। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं ये साबित कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। उन दिनों बारिश का मौसम था और सूखी लकड़ियाँ मिलना बड़ा कठिन था। कृष्ण और अर्जुन दोनों साधु के वेश में युधिष्ठिर के पास जाते हैं। युधिष्ठिर साधुओं को देख उनका स्वागत करता है और उनसे कहता है, हे साधुओं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु के वेश में कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, हमें जलाने के लिए कुछ सूखी चंदन की लकड़ियाँ चाहिए, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? ये सुनकर युधिष्ठिर पूरे महल में लकड़ियाँ ढूंढते हैं, पर उन्हें कहीं भी सूखी चंदन की लकड़ियाँ नहीं मिलती। वो साधुओं से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि पूरे महल में सूखी चंदन की लकड़ियाँ तो कहीं नहीं हैं, बाकी आप हीरे मोती जो भी चाहें मांग लें, मैं आपको दे दूंगा। ये सुनकर साधु कहते हैं कि नहीं राजन, हमें तो बस सूखी चंदन की लकड़ियां ही चाहिए, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो हम चलते हैं। युधिष्ठिर उनसे माफी मांगता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब कृष्ण अर्जुन को लेकर कर्ण के महल जाते हैं। कृष्ण कर्ण से भी वही चंदन की सूखी लकड़ियां ही मांगते हैं। कर्ण पूरे महल में ढूंढता है, लेकिन उसे भी कहीं सूखी चंदन की लकड़ियां नहीं मिलती। साधु के वेश में कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके पास सूखी लकड़ियां नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, हम किसी और के पास चले जाते हैं। साधुओं को जाते देख कर्ण उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप रुकिए, मेरे महल से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। ऐसा कहते ही कर्ण अपना धनुष उठाते हैं और महल के दरवाजे पर बाण चला देते हैं, फिर दरवाजा टूट के गिर जाता है। कर्ण कहते हैं कि हे साधुओं, ये दरवाजा चंदन की लकड़ियों से ही बना है, कृपया आप ये दरवाजा ही ले जाइए। ये सुनकर कृष्ण कर्ण से खुश होते हैं और वहां से चले आते हैं। वापस आकर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब तुम्हें मेरी बात का विश्वास हुआ कि कर्ण ही सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि चंदन के दरवाजे तो युधिष्ठिर के महल में भी थे, परंतु कर्ण हमें खाली हाथ नहीं भेजना चाहता था और उसने महल के दरवाजे को ही निकाल हमें दे दिया। ये सुनकर अर्जुन शर्मिंदा हुए और कृष्ण से कहा कि आप सत्य ही कहते हैं प्रभु। अर्जुन भी ये मान लेते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। दोस्तों, इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है।